Now we will see lecture number 8, system of linear equations. So here we have many things like homogeneous equation, non-homogeneous equation, trivial solution, non-trivial solution, okay, infinite solution, unique solution, जो भी चीजें होती हैं यहाँ पे different, consistent, non-consistent, वो सारी चीजें हम detail में और एकदम easy तरीके से break करके देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको homogeneous एंड नॉन होमोजीनियस में डिफरेंट समझा देता हूँ, ठीक है? छोटी सी बात है, कुछ लोगों को पता भी होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? आपकी अगर इक्वेशन है ax plus by is equal to c, और यही आपकी इक्वेशन है ax plus by is equal to zero, तो यहां पे आपका इधर जो कि क्या है, वेरिएबल नहीं है, जो किसी एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, ये जो चीज है यहां पे ये मौजूद होता है या ये नॉन जीरो होता है, तो वो आपकी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा बड़ा पढ़ना नहीं है, और जहां पे ये जीरो हुआ तो वो आपकी होमोजेनियस में कैलकुलेट होगी, तो बस ये नॉन होमोजेनियस थोड़ा सा हैंडराइटिंग हो गई है तो समझ लेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है हमारी ए, एक्स होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स एंड ये होती है, इसको फिर मैं अलग से इसीलिए लिख रहा हूं कि अलग से देखिए, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ बी वही होती है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ आपका कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? तो कहां पे अंतर आ रहा है, कहां पे अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स में, ठीक है? बस इतना से देखना था, ये आपके क्या है, ये आपके सारे कॉन्स्टेंट है, ठीक है? ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, बी आपकी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट हो गई, एक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल हो गई, ठीक है? तो ये तो कैटेगराइजेशन हुआ, थोड़ा सा टाइम लग गया पर फिर भी हमने देखा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो रैंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये काफ़ी अलग अलग तरीके से मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है? सबसे पहले देख लेंगे कि ए और ये, ठीक है, स्लैश बी, तो ये कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कैसे होती है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं भैया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री, आपने तीन इक्वेशंस ले ली, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है।
ये तो आपकी x हो गई, इतनी सॉरी a हो गई, a मैट्रिक्स जो आपकी ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, अगर आप इसको इसी के संग लिख देते हैं, ये इंडिविजुअली क्या क्या है, ये इंडिविजुअली ये 3x3 की मैट्रिक्स है, लेकिन अब ये क्या बन गई, 3x4 की मैट्रिक्स बन गई, तो वो डिफरेंस है। तो आप या तो डॉटेड डॉटेड करके लिख दो, या ऐसे सीधे से एक लाइन भी खींच के इसको साथ में अगर लिख दो, पर एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करो, तो वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये तो आपने अलग चीज समझी, इसको सेपरेट कर देते हैं। ओके, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब बात आती है कि हमें याद क्या रखना है। ठीक है, ये जितना सा है, ये सबसे पहले समझेंगे इनकंसिस्टेंट और कंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, कंजिस्टेंट का मतलब हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, बस इतना शॉर्ट कि कंजिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, इनकंजिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके दो केसेस होते हैं, और इसके बकायदा भी रैंक आप जब निकाल लोगे तो उसमें दो केसेस होंगे। तो कंजिस्टेंट वाले के अंदर दो केसेस होंगे, टोटल कितने हो गए, टोटल 3 केसेस हो गए। ओके, टोटल 3 केसेस हो गए, हमको इतना दिखा कि टोटल 3 केसेस हो गए, हमने बात मान ली, चलो ठीक है। अब समझना क्या है, अगर आपकी रैंक ऑफ ए, ये जो सिर्फ इतनी मैट्रिक्स है, इसकी जो रैंक हो वो पूरे मैट्रिक्स से इक्वल ना हो, मान लो कि आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3, इसकी आए 2, ठीक है, इसकी यहाँ पे देखना है स्क्रीन पर, ठीक है, ये चल रहा है। अगर आपकी पूरे की रैंक आई 3, इसकी आई 2, ये हो गई नॉट इक्वल, तो आपका तुरंत ही इनकंजिस्टेंट हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसी को आप बोलते हैं इनकंजिस्टेंट। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ से, पहले हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, नंबर 1। नंबर 2, हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, और नंबर 3, हमको सिर्फ ए की रैंक निकालनी है। जब आप दोनों की रैंक निकालोगे तभी तो कंपेयर करोगे ना, आपको रैंक कंपेयर करनी है, समझ रहे हैं आप, ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, नंबर 2 आपको रैंक निकालनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, नंबर 3 सिर्फ एक ही, दोनों को कंपेयर करना है। चलो पहली बात समझ में आ गई, आप कहेंगे समझ में आ गई, अब रैंक इक्वल नहीं है तो हमने कह दिया इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। अब अलग केस में क्या, अगर रैंक इक्वल है तो फिर क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो दो केसेस होंगे, अगर रैंक इक्वल होगी तो हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। ठीक है, हम फिर से वापस आते हैं इस एग्जांपल पे। यहाँ पे ये तो एग्जांपल लिखा है, जरूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन यही हो। ठीक है, हमने क्या सोचा कि हमारी रैंक इसकी भी 3 आई और इसकी भी 3 आई। ठीक है, दोनों इसकी और टोटल की 3 रैंक आई। अब हम देखें कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, तो वो तो हमारे 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से, x1, x2 एंड x3। अगर ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तीनों इक्वल होगा, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इस केस में ये दोनों रैंक तो इक्वल हैं, बकायदा ये इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के। ठीक है, एकदम सही से समझ रहे होंगे तोड़ के। पहला केस, दोनों रैंक इक्वल ही नहीं है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड ए की, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, बात खत्म। अगर इक्वल रैंक तो हम कहेंगे कंजिस्टेंट है, कंजिस्टेंट के अंदर कोई भी केस हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, वो हम बाद में देखेंगे, कंजिस्टेंट है बस। ये सारे जो टर्म है, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनकंजिस्टेंट, कंजिस्टेंट, इन सबके बीच का डिफरेंस समझो कि कंजिस्टेंट है अगर रैंक इक्वल हो गई, उसके अंदर क्या होगा हम देखेंगे। अब अगर दोनों रैंक भी इक्वल है और वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। अब अगर बात यही होती, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, रैंक हमारी दोनों की आ गई 2 और ये हमारा 3 है, तो ये क्या है, 2 = 2 नॉट इक्वल टू 3। ये केस बन गया ये वाला, कि हमारा जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, छोटा है, नॉट इक्वल भी मतलब कम है मेन, तो हमारा ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इस केस में हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपकी
ठीक है, हमने तीन केसेस बनाए, आपकी रैंक ए की और ए बी की, ठीक है, ये इक्वल है। पहली बात इक्वल है तो हम चेक करेंगे कि फिर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है तो हमारा इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट में अगर ये तो बात है इक्वल केसेस में, ये हमारा होता है कंजिस्टेंट, बट अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये केस है, अगर इक्वल ही नहीं है हमारा तो हमारा सीधे से बात है इनकंजिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया एकदम। हम ए और ए ऑगमेंटेड बी की हम रैंक निकालेंगे अगर दोनों की इक्वल है, फिर हम चेक करेंगे कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। पर अगर ये दोनों इक्वल आ गई, हमारा इतना काम चल गया, इतना काम चल गया तो हमें पता है कि भैया कंजिस्टेंट तो होगा और सॉल्यूशन तो होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा है नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं है इक्वल तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। ये सब एग्जांपल चल रहा है, फॉर सपोज, ठीक है, सपोज इसकी रैंक इतनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल इतने, सब सपोज किया गया है। अगर यही दोनों की रैंक इक्वल नहीं है तो हमारा फिर हमें नंबर ऑफ वेरिएबल से देखने का मतलब ही नहीं, ठीक है। मतलब कि 2, 3 अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 भी होता, ठीक है, तो भी हमारी कोई कहानी आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि दोनों की रैंक ही इक्वल नहीं है तो हमारा इनकंजिस्टेंट वहीं पे हो जाता, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो पूरा समराइज हो गया। हाँ, फिर वही बात कि एक्लियन फॉर्म, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको रैंक चाहिए एंड रैंक के लिए आपको एक्लियन फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। बस छोटी सी बात और बतानी थी, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल और उसका शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं, ठीक है। हमको गिवन ये था, ये तो हमने बनाया है, ठीक है, ये खुद बनाया है। गिवन था कि तीन इक्वेशन दी थी, खासियत क्या थी कि ये इक्वेशन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तीसरी इक्वेशन में हमको जो जेड जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशियंट है वो लैम्डा दे दिया है, इधर कॉन्स्टेंट दे दिया म्यू, तो ये डिफरेंस है, ये हमको पता ही नहीं है, ठीक है, और हमसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन था। अब हम क्या देखें, पहले ऑप्शन को देखते हैं, उसमें क्या है, 620। अच्छा, हमको इससे क्या समझ में आया कि भैया लैम्डा की वैल्यू तो 6 होगी, वैल्यू तो हमको पता चल गई है, म्यू की वैल्यू 20 होगी क्योंकि चारों ऑप्शन में वही है। बस ये जो बात फंसी कहाँ है, बात फंसी है ये जो ये है इक्वल, इक्वल है अनइक्वल है। अच्छा, दो केसेस हैं तो मतलब दो चांसेस है इक्वल अनइक्वल, तो चार केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो चार केसेस ये हमारे बन गए कि दोनों इक्वल, दोनों अनइक्वल, पहला वाला इक्वल दूसरा अनइक्वल, और पहला अनइक्वल दूसरा इक्वल। हमको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि हमको वैल्यू तो पता चल गई कि भैया वैल्यू तो इतनी ही होगी, ओके। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि नो सॉल्यूशन, उन्होंने क्या कहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस 4 प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू हैज नो सॉल्यूशंस फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू गिवन बाय, मतलब किन लैम्डा, समझेंगे, लैम्डा और म्यू की किन वैल्यू के लिए हमारा इसका, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम अपने उसी पे जाते हैं वापस, ठीक है, हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं। अच्छा, जितनी आपको एकदम क्लियर करके सारी चीज़ें बता दी कि इससे ये होगा उससे वो होगा, वो सब चीज़ें अगर आपको कॉन्सेप्ट जो होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कैसा भी तरह का क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा हाई क्वेश्चन है तो ये कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। इनकंजिस्टेंट होगा मतलब आपकी जो रैंक होगी ए की वो नॉट इक्वल होगी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आया, चलो ये हमने मान ली कि ये बात सही, ओके, ये हमने मान ली इनकंजिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब इनकंजिस्टेंट, उसका मतलब है कि दोनों की रैंक, मतलब इसकी रैंक हमारी अगर ठीक, अच्छा हमको वैल्यू भी पता चल गई। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट से जाएं,
हम बिल्कुल शॉर्ट से जाएं तो हम इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे करते हैं फिर हम बड़े तरीके से चलेंगे। तो 111 146 146 6 20 20, ठीक है। सपोज हमने ये वैल्यू को रख के देखा, ठीक है, मान लो हमने रख के देख ली वैल्यू, ठीक है, ये हमने एक। अब क्या है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इसकी रैंक अगर 2 होगी तो इसकी 3 होगी, इसकी रैंक 1 होगी तो इसकी 2 होगी, ठीक है। मतलब 3 3 नहीं हो सकती और 2 2 नहीं हो सकती, यही केसेस हुए ना, या 1 1 नहीं हो सकती अगर इसकी, ठीक है, ये चीज़ है। और 3 से ज़्यादा रैंक हो नहीं सकती क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। एकदम एकदम प्यार से शॉर्ट में समझ रहे हैं ना, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये तो 3 होगी, ये 3 होगी तो ये 2 होनी चाहिए, और अगर ये 2 होगी तो ये 3 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों की रैंक इक्वल। अच्छा, अब ये जो आया ये, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट लगा देंगे शुरू से अभी तक के, ये जो आया ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, डिपेंडेंट, मतलब रैंक हमारी घट गई, ठीक है। इसको तो ये हमारी 0 बन जाएगी, ये हमारी 0 बन जाएगी, तो रैंक तो हमारी 2 ऐसे ही चली गई। अच्छा, रैंक 2 गई तो जो इतने पूरे की रैंक है और इसके अंदर भी वही बात है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, समझेंगे। मतलब अगर इन दोनों पूरी पूरी रो को हम इक्वल कर देंगे तो जो बाहर की रैंक होगी 2, तो अंदर की रैंक भी 2 ही बनेगी क्योंकि ये और ये भी इसके इक्वल है, ठीक है, 2 से कम नहीं गिरेगी। हमको कुछ ऐसा काम करना है, ये दोनों इक्वल हो बट ये दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। हमको कुछ ऐसा काम करना है कि ये इक्वल हो, जैसे कि 1 1 1 6 1 4 6 1 4 6 20 and 25। अब आप बताओ इसकी रैंक कितनी आई भैया, इसकी रैंक 2 आई, हमको दिख रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आपकी 0 हो जाएगी और ये आपकी एक्लेन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी रैंक 2 आई हमको पता है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितने हैं, तो 1 2, ठीक है, इसकी रैंक 2 आई। और इसकी रैंक कितनी आई अगर टोटल की देखेंगे, तो ये अगर टोटल में देखें हम, तो आपकी ये रो और ये नीचे वाली रो डिफरेंट हो रही है, ठीक है, ये आपका कभी भी 0 नहीं बन सकता, तो इसकी रैंक हो गई 3 जो कि हो गई नॉट इक्वल। तो हमारा शॉर्ट में मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझेंगे कि हमको इस इतनी तिगड़म से समझ में आया कि आपका म्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 20 होगा, समझ रहे हैं, म्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 20 होगा, तभी ये दोनों रैंक अलग हो सकती हैं। और म्यू नॉट इक्वल टू 20 होगा तो जो लैम्डा है वो इसका अपोजिट हो, लैम्डा 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बस इतने से हमारा आंसर हो गया बी, हमारा आंसर समझ में आ गया बी। ये तो शॉर्ट तरीका था, एक बार लॉन्ग और सही तरीका भी देख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है इसमें, ये अप्लाई किया है इस वाली में, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है और उसका आउटपुट हमें मिला, मतलब R2 में R2 माइनस आया R1, R इससे इसको माइनस कर दिया, इससे भी इसको ही माइनस कर दिया, तो आपका 0 3 5, ये ठीक है। इसमें हम फिर करते हैं कि R3 में R3 माइनस R2 करते हैं, R2 को एज इट इज रखते हैं, R3 में R2 माइनस आ, तो 3 में जब 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, एंड लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 इज लैम्डा माइनस 6 एंड म्यू माइनस 20, ठीक है। तो ये थी लॉन्ग ट्रिक, हमने ये नहीं देखा कि भैया लैम्डा 6 है म्यू 20 है, हमें मतलब नहीं, हाँ यहां से हमारा निकल के आ गया कि लैम्डा 6 ही होगा एंड म्यू 20 ही होगा,
बट फिर वही बात कि हमको दोनों की रैंक करनी है अपोजिट, तो हमको ऐसा करना है कि ये दोनों में से एक फुलफिल हो एक ना हो, ठीक है, हम इसको फुलफिल करा देंगे इसको नहीं कराएंगे, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, हम इसको फुलफिल करा देंगे क्योंकि ये इसको हमको जीरो बनाना है, ठीक है, तभी ये दोनों सेम होंगे, तो इसकी रैंक 2 पे ठहरेगी और इसकी रैंक 3 पे ठहरेगी, ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 20 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसको 6 कराएंगे, फिर से समझते, इसको 6 के इक्वल कराएंगे तभी ये जीरो होगा, ठीक है, यहां पे हमको जीरो नहीं लाना, क्यों, क्योंकि हमने इतनी, बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और, ठीक है, हमको क्या करना है कि हमको इतनी रो को एक्लियन बनाना है, हमसे क्या बोला है कि दोनों नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो हमका हमारा गोल क्या है कि इतने को हमको एक्लियन नहीं बनाना है, हमको इसको जीरो नहीं करना, ठीक है, म्यू माइनस 20 नॉट इक्वल टू जीरो, बस हमारा आंसर आ गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 20 एंड लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा बट समझ में आनी चाहिए चीज, ठीक है, मेन वो ये है कि समझ में आनी चाहिए, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ, ठीक है, मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, हम बात करते हैं, हमारा चार्ट जो हमने बनाया कि होमोजीनियस इक्वेशंस की हम अगर बात करें तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक या हम डिफाइन कैसे करते हैं, AX इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे जीरो है, यही हमारी पहचान है होमोजीनियस इक्वेशन की, ओके, अब इसका क्या मतलब आया, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, यहां पे अगर आपको इक्वेशन आएंगी दो तरीके की हो सकती है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही चीज देखनी है कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस वाली इक्वेशंस रिलेटिवली ज्यादा इजियर होती है सॉल्व करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं होती, ठीक है, कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं होती, इसका मतलब कि आपको रो ए और मतलब इसका मतलब कि आपको यहाँ पे रो ए और ठीक है रो ए और रो ए बी में आपको कुछ कंपेयर ही नहीं करना, ठीक है, सबसे मेन बात यह है कि इसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ओके, तो सबसे बड़ी बात आती है कि आपको इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, तो फिर आपके पास क्या कंडीशंस बची, वहां पे 3 कंडीशन थी, यहां पे आपकी 2 कंडीशन बची, आपको बस सीधे से रो ए निकालना है, उसको चेक करना है नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है या नॉट इक्वल है, ठीक है, एकदम सिंपल, अगर इक्वल है तो वो हमको क्या, वो तो पता ही था, अगर इक्वल होता तो भैया यूनिक सॉल्यूशन, और अगर नहीं इक्वल है तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, अब यहां पे नोटिस करने वाली क्या बात है कि यहां पे नो सॉल्यूशन तो वाली बात आती ही नहीं है, ठीक है, ये हमने नोटिस किया कि नो सॉल्यूशन वाली बात आएगी ही नहीं, ओके, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर रो ए हमारा नॉट इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के, मान लो ये 3 है ये 2 आ गया, ठीक है, तो ये चीज हो गई, या रो ए हमारा 1 आ गया और ये हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, ठीक है, अगर इक्वल हैं तो फिर बात ही खत्म, कोई नहीं, अगर इक्वल हैं तो फिर इक्वल हैं, ठीक है, बस इतना सा था, इसको हम एक एग्जांपल में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं, अच्छा हाँ, इतनी बातें हुई तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल भी मैंने बोला था शुरू में आपको, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये हुआ, एक मिनट, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी है, यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी है कि जीरो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन जीरो ही होगा, ठीक है, और वो यूनिक होगा, वो सिंगल होगा, इसलिए इसको ट्रिवियल बोलते हैं, यहां पर क्या होता है नॉन जीरो,
अदर देन जीरो, नॉन जीरो इन्फिनेटली कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है, इन्फिनेटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, और यूनिक है मतलब वो सिंगल सिंगल है, वो यूनिक है और वो सिंगल है, ठीक है। तो ये अंतर है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ठीक है। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समराइज करते हैं, ठीक है, हम अपने वर्ड्स में और अपने लिए उसको हम यूज करने के लिए उसको बना लेते हैं, ठीक है, मेक कर लेते हैं। ये आपका नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज मैंने तीन पे फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल तीन है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए का जीरो आ जाता है, इसका मतलब कि उसकी रैंक तीन नहीं हो सकती, समझ गए ना, ये चीज आपने पहले पढ़ी है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो आपकी रैंक तीन नहीं हो सकती, मतलब नहीं आता है तो फिर आपकी रैंक तीन होगी, ठीक है, ये चीज तो फिक्स है। मतलब ये तो इक्वल हो गया, ये हो गया नॉट इक्वल, ठीक है। थ्री जो है तीन नहीं होगी, मतलब क्या होगा, टू होगी या वन होगी। तो वन और टू दोनों ही थ्री के नहीं इक्वल है, मतलब यहां पे आपका केस आ गया नॉन ट्रिवियल का या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन का, ठीक है, नॉन ट्रिवियल, ये इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आ गया ट्रिवियल। तो आप डिटर्मिनेंट को निकाल के इसका सम क्या, समरी क्या, डिटर्मिनेंट को निकाल के आप बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा या ट्रिवियल होगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, होमोजीनियस इक्वेशन पे डिपेंड करता है ये, सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन के आप उसके ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। बाकी दो तीन प्रॉपर्टीज है वो लगभग इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, वो घुमा फिरा के बात बोली गई है, तो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें इसमें भी वही, आपको ए तो निकालना है, ठीक है, आपको ए की रैंक निकालनी है, आप इसके हिसाब से निकालिए या रैंक निकालिए। तो आपको फिर वही बात जो मैंने वहां पे दोहराई थी, इक्लियन फॉर्म में चेंज करके ही आपको काम अपना निकालना है, ठीक है। तो फाइनली आपको इक्लियन फॉर्म में चेंज करना है, फिर काम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म होता है, और बस आखिरी में क्या बचा है हमारे पास, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। सिंगल सिंगल आपके पास एक लेक्चर होगा और ये हमारा लीनियर एलजेब्रा फिनिश्ड, ओके। अब क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स और सारी चीजें एकदम क्लियर करके हो गई हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू उठानी है और आपको क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। बट ये सारे लेक्चर और समझने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, ठीक है, थैंक यू।